दो जना ने उठानी पड़े है। एक झाड़ा और लगाएगा उसमें जैसे शेर ने है कि दो जना तो निकालनी दिक्कत गाड़ी और पैर पर उठ जाएगी और ये किस किस के क्या झाड़े लगने और बता दीजिए। राम राम। कहाँ से आए हो? मैं जी लोहार से आया हूँ जी। अच्छा, क्या दिक्कत है? बूढ़ी माँ के पैरों में दिक्कत है जी, उठ के बैठने चलने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी है। अच्छा, पहला झाड़ा लगवाने से इतना आराम हो गया, माँ अपना खाट में बैठ जाती है अपना आप। पहले क्या पोजीशन थी? पहले तो खाट के अंदर से दो जने पकड़ के खवा जो बैठी करते थे, वो लिटाते थे, दो जने बैठ के लिटाते थे। अच्छा, अब आप अपना बैठ जाती खाट के ऊपर? अपने आप बैठ जाती एक ही झाड़े में? एक झाड़े में। अच्छा, हाँ, दूसरा झाड़ा लगवाया जी। अच्छा जी, कितने दिन से कितने साल से है ये? करीब साल भर से है। एक साल से प्रॉब्लम थी? काफ़ी जगह झाड़ा लगवाया, दवाई कोई आराम नहीं मिल रहा। अच्छा जी, यहाँ एक झाड़े में? एक झाड़े में काफ़ी आराम है जी, तो अपना बैठ जाती है, इतना काफ़ी हो गया, नहीं तो बाट देखते थे कोई आएगा तो उठाएगा। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से तो बहुत चमत्कार हो रहे हैं जी, सब बाबा के पास भी बहुत बढ़िया, महाराज जी भी बहुत बढ़िया, मन लगन तन मन से सेवा कर रहे हैं। और लोग जो वीडियो देख रहे हैं आप वाली समस्या है, उनको क्या कहोगे? मैं तो यही कहूँगा यहाँ पर आओ और विश्वास करो, 100% आराम मिलेगा आपको सबको। अच्छा, पर विश्वास करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, ये नहीं घर बैठे बैठे आराम हो जाएगा, घर बैठने से आराम नहीं होगा। बाबा के दर्शन करो और आके झाड़ा लगवाओ। अच्छा, डॉक्टर के पास नहीं जाएं? नहीं, डॉक्टरों के पास जाते वो दवाई लेते हैं, वो लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हम ये दवाई बंद नहीं करवा, कहने की बंद करने की नहीं करे, किंतु बाबा यहाँ तुरंत आराम मिलेगा अपना। अच्छा, आप दवाई बंद आप खुद करोगे बंद। अच्छा जी, इतना विश्वास हो गया आपको? हाँ जी, इतना विश्वास है, हम सबको यही कहते हैं बाबा के पास एक बार जरूर आओ, दूसरी बार तो अपने आप चल के आ जाएंगे। ठीक है जी।